ग्वालियर में खुद को जिंदा जलाने वाली प्रेमिका के मामले में नया खुलासा हुआ है। उसने रात में तहसीलदार के सामने बयान दिए। छात्रा ने बताया कि 3 दिन पहले हम दोनों की मुलाकात हुई थी। मैंने उसे ये भी कहा था कि कुछ हो भी सकता है। हालांकि लड़की का कहना है कि घटना के लिए उसका बॉयफ्रेंड जिम्मेदार नहीं है, उसे ब्लेम नहीं किया जाए, अपनी इस हालत के लिए वो खुद ही जिम्मेवार है। लड़के की सगाई होने के बाद से वो आहत थी। फिलहाल छात्रा की हालत गंभीर है, छात्रा ने बोलना सुनना भी बंद कर दिया है। वहीं इस घटना के बाद सृष्टि चौहान का बॉयफ्रेंड आशीष पाठक भी लापता है। छात्रा ने बयान में कहा है कि घटना में किसी की गलती नहीं है। वहीं उसके बॉयफ्रेंड के संग की मुलाकात वहां लगे सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई है। इसमें दोनों बात करते हुए दिख रहे हैं। छात्रा घर से एग्जाम के लिए निकली थी, लेकिन वो कॉलेज नहीं गई। 7 नंबर चौराहा कालपी ब्रिज पुल के पास स्थित पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लिया। इसके बाद वो पैदल ही बॉयफ्रेंड के घर पहुंची, पर जब वहां से जवाब नहीं मिला तो पास ही SLP कॉलेज के परिसर में जाकर खुद को आग लगा दी। इसके बाद बाहर सड़क की तरफ भागी। ग्वालियर में पिंटो पार्क गोला का मंदिर स्थित सैनिक कॉलोनी में रहने वाले टीचर सत्येंद्र सिंह की बेटी सृष्टि चौहान मुरार विजया राजे गर्ल्स कॉलेज में BSc थर्ड ईयर की छात्रा है। वह SLP कॉलेज में पढ़ने वाले आशीष पाठक से प्यार करती है। लड़की को पता चला कि आशीष की सगाई दूसरी लड़की के साथ हो चुकी है। इस बात से सृष्टि नाराज हो गई। शुक्रवार को वो 2 लीटर पेट्रोल लेकर प्रेमी के घर पहुंची और उसे बुलाया, लेकिन जब वो नहीं आया तो वो करीब 200 मीटर दूर जाकर खुद को आग लगा ली। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।